फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग जलवायु को जानेंगे, भारत की जलवायु को जानेंगे आज के क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के क्लास का। तो आप लोग पूरे क्लास को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर किसी को क्लास पूरा करना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो दोस्तों, पिछले और भी मैं बहुत सारा भी क्लासेस में बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासेस में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया, वो लोग आप लोग पिछले क्लास को भी जा करके कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और सिक्वेंस वाइज आपकी पढ़ाई होती चले। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो जितने भी क्लासेस हैं, मैं सभी प्रोवाइड करवाऊँ और आपका कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में क्लियर रहे, आपका एक भी नंबर ज्योग्राफी से छूटे नहीं। इसीलिए क्लास को रोजाना कीजिए आप लोग, इससे बेनिफिट होगा आपको एग्जामिनेशन में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जलवायु, आज हम लोग को जलवायु पढ़ना है, भारत की जलवायु को जानना है। क्लाइमेट, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है, यानी कि जलवायु जो है जिसको निर्धारित करने वाला मुख्य कारक मेन फैक्टर्स क्या है, तो अक्षांशीय अवस्थिति। क्या कहते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति जो जलवायु को निर्धारित करने वाली मुख्य कारक है। यानी कि सिंपल सा आपको ध्यान में रखना होगा, अगर जलवायु पूछे आपसे, पूछ दे कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, अगर अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और कुछ भी दे दे, यानी कि किसके थ्रू आप जलवायु का पता लगा सकते, तो आपका जवाब अक्षांश होगा। क्योंकि अक्षांशीय अवस्थिति के कारण हम वहां की जलवायु, किसी भी क्षेत्र की जलवायु का पता लगाते हैं। वहीं पे अगर देशांतर की बात की जाए, यानी कि देशांतर रेखा से हम क्या पता लगाते हैं, आपके मन में क्वेश्चन बनेगा, तो चलिए इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। देशांतर रेखा से हम लोग डेट का पता लगाते हैं, तिथि का पता लगाते हैं। हाँ, तो देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अक्षांश की बात की जाए तो इससे हम लोग जलवायु का पता लगाते हैं, वहीं अगर देशांतर की बात की जाए तो हम लोग डेट यानी कि तिथि का पता लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द जो है, जो लैंडफॉर्म से एक शब्द है का प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है, इसमें एक शब्द लैंडफॉर्म्स बनाया गया है, इसका शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ें जो जलवायु को प्रभावित कर रहा है यहाँ। तो लैंडफॉर्म्स में एल से लैटिट्यूड, मतलब इसका मतलब होता है अक्षांश। वही ए से एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, एन से नियरेस्ट फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा, एफ से फॉरेस्ट वन, ओ से ओशियन करेंट्स समुद्री जलधाराएं, आर से रेनफॉल वर्षा, एम से माउंटेन पहाड़ या पर्वत, एस से सॉइल मिट्टी। तो इस तरीके से लैंडफॉर्म्स जो है जो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में से क्या कहते हैं, कारकों के लिए एक लैंडफॉर्म्स जो एक शब्द बनाया गया है, शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि कौन कौन सा चीज इसमें है जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो एल से लैटिट्यूड, ए से एल्टीट्यूड, एन से नियरेस्ट फ्रॉम शी, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ से फॉरेस्ट, ओ से ओशियन करेंट्स, आर से रेनफॉल, एम से माउंटेन और एस से सॉइल, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी के मौसम की बात की जा रही है। ग्रीष्मकालीन का मतलब हो गया गर्मी का जो मौसम है, तो ग्रीष्मकाल गर्मी के दिनों का जो मॉनसून है, ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? सामान्य दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इसकी दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में
शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से वर्षा होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, यानी कि ठंडे के मौसम में किन राज्यों में वर्षा होती है? तो पंजाब एवं तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है भारत में। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा मेघालय में, सॉरी पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, घाट नहीं है यहाँ, पूर्वी हिमालय है। तो सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यानी कि क्या क्या रहा है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो होती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है। दोस्तों अगर तापमान अधिक रहता है ना, तो वहाँ का जो वायु दाब होता है जो निम्न हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप यानी कि उच्च तापमान है तो निम्न वायु दाब की बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, व्यापारिक पवने को पढ़ते हैं, ट्रेड विंड्स क्या है? व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने जो हो गई, ये पवने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों के 35 डिग्री एनएस से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधों में 0.5 डिग्री एनएस यानी कि नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। इसको समझते पहले व्यापारिक पवने हैं क्या, इसको जानते हैं। तो व्यापारिक पवने जो हैं, जो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हम इसको यहाँ समझाते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग, एक मिनट में कॉपी के पे समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि हम लोग व्यापारिक पवन को देख रहे हैं, तो व्यापारिक पवन की बात की जा रही है। तो व्यापारिक पवन में देखिए, जैसे कि कहा जा रहा है कि 0 डिग्री से लेकर के, देखिए मैं इस पे समझाती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारा ये जो हो गया, जो 0 डिग्री हो गया, इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री जो हो गया, जो बीचों बीच यानी कि पृथ्वी के, सपोज दैट इसके बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है, हमारा पृथ्वी है, तो इसके बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है ये हमारा 0 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री हो गया। तो ये 0 डिग्री हो गया, तो क्या क्या रहा है कि व्यापारिक पवने क्या होती है इसको समझना है हम लोग को। तो समझिए कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के मध्य, उत्तरी एवं क्या कहते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, तो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री हमारा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ऊपर वाला हमारा हो गया कर्क रेखा और ये हमारा हो गया मकर रेखा। ठीक है, तो दोस्तों जो ये क्या कहते हैं, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं जो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो खींची गई रेखा होती है, इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो रेखा खींची गई होती है
उसको हम लोग काल्पनिक रेखा, जो कि पश्चिम से पूरब की ओर जो काल्पनिक रेखा खींची गई उसे हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादा डिटेल्स इसको अभी नहीं देखने, हम लोगों को बस व्यापारिक पवने के बारे में पढ़ना था। तो हम लोग देख ले कि 0 डिग्री हो गया, ये हमारा 37 डिग्री उत्तर, 37 डिग्री दक्षिण। अब हम लोग 30 डिग्री की बात करेंगे, तो 30 डिग्री इसी के आसपास होगा ना। तो हमारी व्यापारिक पवने जो है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ इन दोनों के बीच में चलती हैं, इसी को हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। क्योंकि देखिए बुक क्या कह रहा है, इसको हटाते हैं, बुक में आते हैं हम लोग। कह रहा है ना कि व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। यानी कि कह रहा है ना कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तर, यानी कि 30 डिग्री उत्तर इसको मानते हैं और 30 डिग्री दक्षिण मानते हैं इसको। तो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण जो पवने चलती हैं, इसे हम लोग व्यापारिक पवने कहेंगे। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण जो पवने चलती हैं, इसे हम लोग व्यापारिक पवने कहेंगे। क्योंकि बुक हमारा यही कह रहा है कि व्यापारिक पवने कहेंगे। ए पवने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों में 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधों में 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। चलिए उत्तरी गोलार्धों में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है, वहीं पे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काल वैशाखी तथा चाय वर्षा कहते हैं। काल वैशाखी तथा चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इस पॉइंट को। पश्चिम बंगाल तथा असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल वैशाखी तथा चाय वर्षा कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा, हो सके तो लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है। क्योंकि देखिए सब लोग जानते हैं कि मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है, तो लोग ज़्यादातर राजस्थान यानी कि सहारा वाला क्षेत्र लगा देते हैं, तो सॉरी थार वाला क्षेत्र लगा देते हैं। बट थार मरुस्थल ना होकर के यहाँ पे लेह हो जाएगा, क्योंकि लेह भी हमारा ठंडी मरुस्थल है ना, और यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो 5 भागों में विश्व की जलवायु को बांटे हैं। जलवायु निर्धारण के आधार क्या क्या हैं? तो जलवायु निर्धारण का आधार है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा एवं वनस्पति जो है जो जलवायु निर्धारण के आधार है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश को जानेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र को जानेंगे। तो हम लोग लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु को देखते हैं। इसका संकेत है AMW, जो कि क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी घाट। यानी कि लघु शुष्क ऋतु जो है, जो गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। वहीं शुष्क ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए, जिसको डोनेट किया गया AS के थ्रू, जो कि तमिलनाडु का कोरोमंडल तट में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु देखने को मिलती है। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु जो है, जो जिसको AW से दर्शाया गया है, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग जो है, जो उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु वाला भाग है। आगे अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है, जिसको BSHW, जो कि उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान तथा पंजाब के कुछ भागों में इस प्रकार की जलवायु
देखने को मिलती है। वही उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो कि BWHW राजस्थान वर्ण संकेत है इसका, जो कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु देखने को मिलती है। आगे देखते हैं हम लोग शुष्क शीत ऋतु जिसको CWG या गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश में शुष्क शीत ऋतु देखने को मिलता है। शुष्क शीत ऋतु वाली जलवायु जो है जो गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश जो होता है जो शुष्क शीत ऋतु वाले जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु जिसको DFC से इसका वर्ण संकेत है, जो इसका क्षेत्र देखते हैं हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में लघु ग्रीष्म तथा शीत ऋतु वाले शीत आर्द्र ऋतु वाले जलवायु पाए जाते हैं। ध्रुवीय तुल्य जलवायु जिसको ई से दर्शाया गया है, इसका वर्ण संकेत है, यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में ध्रुवीय तुल्य जलवायु देखने को मिलती है। टुंड्रा तुल्य जलवायु जिसको ई और टी से दर्शाया गया या उत्तराखंड के परिवर्तीय क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती थी। इस प्रकार हम लोग कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण है इसको हम लोगों ने जाना योजना के अनुसार। भारत की जो जलवायु प्रदेश है इसको हम लोग पढ़ लिया, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है। ITCZ क्या है? तो एक निम्न वायुदाब पेटी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। क्या है? तो यह एक दोलायमान पट्टी है जो कि ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है, यानी कि दोनों पवनों को मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। जहाँ देखिए मेनली क्या है, क्या रहा है कि यहाँ जो है जो दोनों पवने मिलती हैं और मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है, तो इसको ध्यान रखने। आगे देखते हैं हम लोग लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क तथा पीड़ादायक पवन है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लास्ट का संबंध, यानी कि कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लास्ट का संबंध जो है जो ग्रीष्म ऋतु से है। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक में आम्र वर्षा मैंगो शावर किस राज्य में से संबंधित है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक। क्वेश्चन पूछेगा आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर किस राज्य से संबंधित है? केरल एवं तटवर्तीय कर्नाटक से। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे जो है भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक है होता है? तो जून से सितंबर तक, यानी कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। दोस्तों भारत में मानसून का आगमन जो है जो सबसे पहले केरल में होता है, यानी कि यहाँ जो देखिए केरल यहाँ है, 1 जून को मानसून का आगमन केरल में हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन किस जगह पे होता है? तो केरल में होता है। आगे भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? छोटा नागपुर पठार पर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने नवंबर दिसंबर।
वहीं भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो देखिएगा भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो तथा ला नीनो। भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारक तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो तथा ला नीनो जो है जो मॉनसून को प्रभावित करते हैं भारत के मॉनसून को। आगे पढ़ते हैं हम लोग, भारत के किन राज्यों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में 200 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे अधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, तो पूर्वी जेट प्रवाह को, पूर्वी जेट प्रवाह को मानसून के प्रस्फोट के लिए क्या कहते हैं, उत्तरदायी माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने भारत की जलवायु को पढ़ा, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सबको मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश की हूँ, ताकि आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और आपका जो क्लास है जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों क्लास को आप लोग अच्छे से कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगी। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, बट आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस की हूं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए भी कि मेरा क्लास आप लोगों को किस तरीके से लाभ पहुंचा रहा है, कैसे लाभप्रद है। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और दोस्तों में शेयर करें ताकि जो भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, खास करके बिहार टीचर्स वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बिहार वाले लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं एग्जामिनेशन को लेकर के। तो उनको जो भी लोग हैं जिनको हमारा क्लास नहीं पहुंच पा रहा है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों वो लोग पढ़ाई शुरू करें, परेशानी थोड़ी उनकी कम हो, पढ़ाई भी करें साथ साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है जॉब को लेकर के, और ख़ास तौर से जो बीपीएससी टीचर वाले में भी बहुत सारी चेंजेज हो रही हैं, तो इसकी वजह से बिहार वाले जो बच्चे हैं, जो भी क्या कहते हैं सीटेट बीटेट क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उनकी परेशानी को मैं थोड़ा सा कम करूं अपना क्लास प्रोवाइड करवा के, इसलिए मेरे क्लास को आप लोग शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।